हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके स्टडी फॉर फाइव। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं नया चैप्टर प्रिपरेशन शुरू करेंगे अनुपात और समानुपात। आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आज बेसिक क्लास है दोस्तों, इसको हम बेसिक से हम समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो का अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एकदम बेसिक से हम समझाऊंगा, एकदम एक एग्जाम्पल लेके आपको दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल यूज करते हैं उसी को लेकर मैं समझाऊंगा कि अनुपात आखिर में होता क्या है, समानुपात आखिर में होता क्या है। तो वीडियो का अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। आइए दोस्तों, आप देखते हैं अनुपात आखिर में होता क्या है। अनुपात होता क्या है, जो रेशियो है, रेशियो होता क्या है, रेशियो है होता क्या। मान लीजिए अगर कह दे इस मार्कर को, मान लीजिए मार्कर जो है कह दे इसकी तुलना कीजिए, तो मार्कर है जो दोस्तों इसकी तुलना कीजिए, तो इसकी तुलना आप किससे करेंगे, तुलना इसकी किससे करेंगे, इसके लिए एक और मार्कर लेना पड़ेगा। मान लीजिए कह दे इसकी मार्कर की तुलना कीजिए, तो ये काला है, इतना हाइट में इतना है, मोटा है, इसको व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है, लेकिन इसको तुलना करने के लिए कर रहे थे आप किससे इसकी तुलना कर रहे हैं, इससे किसकी तुलना कर रहे हैं, इससे इसकी तुलना किसी से नहीं कर रहा है ना, क्योंकि आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है एक ब्लैक मार्कर, इसकी तुलना किससे कर। अगर दोस्तों आपके पास दो मार्कर आ जाए, मान लीजिए एक और मार्कर आ जाए रेड कलर का, एक मार्कर दो मार्कर है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसकी तुलना करते हैं। मान लीजिए दो मार्कर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए बीच कहा दे, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच कंपेयर कर लेंगे, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, इन दोनों के बीच आप कंपेयर करेंगे, कहें रेड है ये ब्लैक है, ठीक है, ये इसमें रेडिंग पड़ता है, इसमें रेडिंग पड़ता है, दोनों का हाइट सेम है, तो क्या दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इनके बीच कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों अपने आप में मोटा एकदम सेम है, तो इनके बीच कंपेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए दोनों मार्कर है, दोनों के बीच कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से आपको ये फंडा निकला कि दो समान राशियों या दो समान वस्तुओं के बीच कंपेयर किया जाता है उसी को अनुपात कहते हैं। कन्फर्म हो गया, दो समान राशियों के बीच कंपेयर किया जाता है, दो समान राशियों के बीच अगर कंपेयर किया जाता है, दो समान व्यक्तियों के बीच कंपेयर किया जाता है, उसी को आप अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ये तो पता चल गया रेशियो किसे कहते हैं, ये पता चल गया ना, क्लियर हो गया ना रेशियो किसे कहते हैं। जैसे अगर कंपेयर करने के लिए रेशियो को दे तो आपको रुपये से रुपये की कंपेयर करना है, रुपये से रुपये की कंपेयर करना है, केजी से केजी की कंपेयर करना है, केजी की ग्राम से कंपेयर नहीं करना है। क्यों दोस्तों, ग्राम से जब कंपेयर करने लगेंगे ना तो समान राशि नहीं हो जाएगी, बड़ी यूनिट हो सकती है, छोटी यूनिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर रुपये का आप रुपये का केजी से कंपेयर करेंगे, तो रुपये का केजी से कंपेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा, रुपये से केजी कंपेयर नहीं। यहाँ पे समान राशियों से कंपेयर जब किया जाता है ना, जब समान राशियों से कंपेयर किया जाता है, मिलीग्राम से मिलीग्राम, लीटर से लीटर, केजी से केजी, मतलब किग्रा से किग्रा, ग्राम से ग्राम, हर राशियों को कंपेयर किया तो उसी को अनुपात कहते हैं। जैसे संख्या में देख लीजिए, आपको अनुपात ज्ञात करना है, मान लीजिए 5 आपको 5 दे दिया, ठीक है, ये आपको अनुपात दे दिया 5 7, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ए भी नंबर है और ए भी नंबर है, दोनों नंबर के बीच कंपेयर किया, तो दोनों नंबर मतलब दोनों नंबर है, ए भी आपका नंबर हो गया, ए भी आपका नंबर हो गया, तो देखिए दोनों जो यूनिट है ना, जो दोनों राशि, वो दोनों राशि सेम है, जब दोनों राशि सेम है तो क्या हो गया, ए नंबर हो गया, तो दोनों राशि जो सेम है इनके बीच आप कंपेयर कर रहे हैं, दोनों राशि जो सेम है इनके बीच आप कंपेयर कर रहे हैं, जब दोनों राशि के सेम के बीच, दोनों राशि के बीच आप कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों राशि एक ही है तो नंबर इनके बीच कंपेयर कर रहे हैं, तो आपका अनुपात हो गया। जो ये दर्शाता है ना डबल, जो डबल डॉट दर्शाता है, यही आपका रेशियो का साइन होता है। इसको अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको इज टू लिख सकते हैं, 5:7 लिख सकते हैं, आप 5:7 इसको कह सकते हैं। अब इसको दोस्तों 5/7 भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी, जो लेफ्ट साइड में होता है ना रेशियो के, उसको क्या मानते हैं, अंश मानते हैं, जो राइट साइड में होता है उसको आप हर मान लेते हैं। तो ये पता चल गया ना कि रेशियो क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर दे 5 kg रेशियो 9 kg, तो देखेंगे दोनों यूनिट सेम है, दोनों यूनिट सेम है दोस्तों ना, जब दोनों यूनिट सेम है तो इनको रेशियो में जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5:9 हो जाएगा। अगर मान लीजिए दे दे कि आपको 5 kg दे दे और यहाँ पे रेशियो दे दे और कह दे कि 6000 ग्राम है, ठीक है, 5 kg 6000 ग्राम, तो इसको आप ग्राम को किस में चेंज करेंगे, केजी में सेम करेंगे, चेंज सेम यूनिट में, तो ये 6 kg हो जाएगा। अब इसका रेशियो आप ज्ञात कर लेंगे, तो रेशियो आपको पता चल गया ना कि समान राशि होना चाहिए, समान व्यक्ति का कंपेयर होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका रेशियो हो गया। अब आते हैं दोस्तों अनुपातों का, अब आते हैं देखते हैं समानुपात क्या होता है, ये भी आपको फंडा पड़ गया, समानुपात क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, समानुपात लिखेंगे इसको, समानुपात, इसी से आपको पता चल जा रहा है समानुपात, समान अनुपात वाले, दो अनुपात अगर समान हो, दो अनुपात अगर दूसरे के इक्वल हो, उसको आप समानुपात कहते हैं।
क्लियर। दो अनुपात अगर एक दूसरे के इक्वल हो उसको आप समानुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो अगर डी है तो यहाँ पे ए अपान बी इक्वल सी अपान डी भी हो जाएगा, तो ए हो गया आपका समानुपात। और इसको आप लिख सकते हैं ए रेशियो बी समानुपाती सी रेशियो डी। तो इसको लिखे क्या, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो जो ए साइन होता है ना, डबल फोर डॉट का जो बिंदु होता है ना, प्रोपोर्शन को दर्शाता है, ये आपको समानुपात को दर्शाता है। और जो डबल बिंदु वाला होता है आपको अनुपात को दर्शाता है। तो अनुपात और समानुपात आपको क्लियर होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक बार और देखिएगा, जो अनुपात होता है उसे समान राशि भी जब कंपेयर किया तब मार्कर जी देखिए, जैसे मार्कर भी कंपेयर कर रहे हैं, दोनों मार्कर सेम है, इसमें कंपेयर कर देती है, हो गया आपका अनुपात। अब दो जब अनुपात इक्वल हो जाए एक दूसरे के, वो हो गया आपका समानुपात। एक और एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, जैसे टू रेशियो फाइव इक्वल, यहां पे आप हम लिख देते हैं 10:25। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये समानुपात है एक दूसरे के, तो देख लीजिए ध्यान से 2:5 इतना कंफर्म हो गया 2:5। अब देखिए समानुपाती कब लगाएंगे, जब इधर वाला समान हो, तो 10/25 लीजिए, 5 × 10 = 25, 2:5 ये भी आ गया, देखिए दोनों समान हो गया इसलिए समानुपाती का साइन लगा देंगे। जब रो रेशियो देखिए, ए भी रेशियो है, ए भी आपका रेशियो है, ए भी रेशियो, दोनों रेशियो एक दूसरे की इक्वल हो गए, तो ये हो गया आपका समानुपाती का साइन। तो एक कन्फर्म हो गया ना, समानुपाती क्या होता है, अनुपात क्या होता है, इतना कन्फर्म, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। आइए दोस्तों ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन है देखिए कैसे बनता है, इसमें हम ध्यान से बता रहे हैं, कुछ बेसिक के क्वेश्चन है, देखिए बेसिक आज बेसिक चलेगा, तो बेसिक देखिए क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 3:5:4 या 3:4:4 भी पढ़ सकते हैं इसको, या 3:4:5 का घन अनुपात ज्ञात कीजिए। अब घन अनुपात क्या होता है, एक टर्म्स आपको ये मिलेगा, वर्गमूल अनुपात क्या होता है, एक टर्म्स आपको ये मिलेगा, द्विघाती क्या होता है, एक टर्म्स आपको ये मिल जाएगा, और घनमूल अनुपाती क्या होता है, एक टर्म्स आपको ये मिल जाएगा। एकदम बेसिक है, इतना कहीं आपको सीखने को नहीं मिलेगा, इतना बेसिक। तो घनानुपात होता है दोस्तों ना, जिसका घन ज्ञात कर ले, जिसका घन मतलब जिसका घन करके क्यू ज्ञात करते हैं उसी घनानुपात का। वर्गमूल अनुपात क्या होता है दोस्तों, जिसका वर्ग ज्ञात करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं, वर्गमूल जिसका ज्ञात करते हैं वो होता है आपका वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल से आप देखिए, द्विघाती क्या होता है, जिसका द्विघात स्क्वायर ज्ञात करते हैं ना, वर्ग वही आपका द्विघाती हो जाता है। अब घनमूल अनुपात क्या होता है, घनमूल अनुपात घनमूल, जिसका घनमूल ज्ञात करते हुए घनमूल अनुपात हो गया। टर्म्स पता चल गया क्या होता है, आप देखिए इसका घन अनुपात ज्ञात करना है, तो 3 × 5 और यहाँ पे आप 4 कर दीजिए। 3 क्या होता है, 27 होता है, 5 क्या होता है, 125 होता है, और 4 = 64 होता है। तो ये आपका पहले का आंसर आ गया, घन अनुपात मतलब सबका घन ज्ञात कर लीजिए, कंफर्म हो गया। सेकेंड वाला का आंसर जब आप देखेंगे तो क्या आएगा, कह रहा है इतने का वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है वर्गमूल के लिए इसको इस तरह लिखिए, 256, इसको जब आप ज्ञात करेंगे तो 9 का वर्गमूल होता है, 256 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 256 अंडर 256 का मान होता है 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आएगा, 121 किसका वर्गमूल होता है तो 11 का होता है। ये आपका आ गया क्या दोस्तों, वर्गमूल अनुपात आ गया। तीसरा जब आप देखेंगे तो क्या कह रहा है कि 5, 7 और 8 का द्विघात अनुपात ज्ञात कीजिए, द्विघात में इसका द्विघात निकाल दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए अनुपात, 7 का स्क्वायर कर दीजिए अनुपात, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 25, 49, 64 ये आपका हो गया क्या, द्विघात। अब आइए चौथे वाला जब देखेंगे तो कह रहा है घनमूलानुपात क्या होगा, घनमूलानुपात क्या होगा, तो घनमूलानुपात इसका देखिए घन ज्ञात करेंगे, घनमूल ज्ञात करेंगे, 3 × 64 = 3 × 729 रेशियो 3 × 125 64 4 का घनमूल होता है 64, अंडर रूट 64 का मान 4 होता है, मतलब 64 का घनमूल 4 होता है, या 4 का घन 64 होता है, और 9 का घन होता है 729, या 729 का घनमूल क्या होता है दोस्तों 9, 125 घनमूल 5 होता है, ये आपका आ गया आंसर।
तो ये आपका था बेसिक टर्म्स, घनानुपात क्या होता है, वर्गमूल अनुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है, घनमूलान, इसका बहुत यूज आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। तो ये था आपका बेसिक टर्म्स, ये था आपका बेसिक जो किसी एग्जाम के लिए बहुत ही देखने को ऐसा मिलता है। तो मैं आपका बेसिक जो था बता दिया हूँ कि क्या अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, उसका क्वेश्चन में बता दिया हूँ कि कितने टाइप का जैसे होता है, घनानुपात क्या होता है, वर्गमूल अनुपात कितने टाइप का होता है, मैं आपको बता क्लियर कर दिया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे टिक के द्वारा क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक चलेंगे, जितना टाइम लगे उतना में बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करके हाई लेवल चलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर, नहीं समझ में आएगा वीडियो के बाद देख लीजिएगा और इसको आप लेके कंपेयर कीजिए, कोई दो ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसको लेके कंपेयर कीजिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अनुपात क्या होता है, कंफर्म इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो वीडियो पहली बार देखो चैनल सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्यों दोस्तों जब बेल आइकन प्रेस कर देंगे ना तो सुबह 6 बजे आपको जीके का क्लास मिल जाएगा और 7 बजे एकदम बेसिक इंग्लिश क्लास मिल जाएगी जो किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहता है। और शाम को 5 बजे आपका मैथ का टिक क्लास मिल जाता है जो एकदम बेसिक है, किसी कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे के पास पहुंच सके और हमें भी सपोर्ट मिले, जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छा से अच्छा कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए, अच्छा सा कंटेंट देने के लिए आपको कोशिश करूंगा। अगर आप क्लास देखते हो तो आपको अच्छा समझ में अभी आता होगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी धमकदार टिक के साथ, बने रहिए वीके स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ।